पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर से दिल दहला देने वाला एक घटना सामने आया है। हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। पूर्वी दिल्ली में एक तीसरी मंजिली इमारत से एक नवजात बच्चे को फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में कुछ महिलाएं अपने घर के बाहर इस टुरकुराती ठंड में आग सेक रही थी, तभी उनके पास के मकान के खिड़की से किसी ने कुछ फेंका, जिसके बाद कुछ महिलाएं पास गई और फिर हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि एक नवजात बच्चा घायल हालात में रो रहा है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद थाना न्यू अशोक नगर पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। कॉल ASI अशोक को सौंपी गई, जो कि मौके पर पहुंचे। आसपास के कुछ लोगों द्वारा बच्चे को नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इस बीच ASI युद्धवीर को मेट्रो हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वही मृतक बच्चे के शव को दिल्ली के LBS हॉस्पिटल में भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस की टीम घटनास्थल पहुंचकर आसपास के लोग से पूछताछ कर रही थी। इसी प्रक्रिया में मकान नंबर 643 की जांच की गई, तो पाया गया कि कूड़ेदान में खून के कई निशान हैं। जब घर के लोगों से पूछताछ की गई, तब पता चला कि इस घर में 20 साल की एक लड़की है, जिसका नाम प्रिया है। जब प्रिया से पूछताछ की गई, तब उसने स्वीकारा कि उसने एक लड़के को जन्म दिया है और उसे अपने घर के वॉशरूम की खिड़की से फेंक दिया। उसने खुलासा किया कि वह अविवाहित है और सामाजिक कलंक से बचने के लिए प्रिया ने अपने बच्चे को फेंक दिया। सर, हम भी ऑफिस के लिए निकल रहे थे, 9 बजे का, 9:30 बजे का घटना है। जब वहाँ को एक बंदा रहता है, उसके आग सेक रही थी उसकी मैडम, वहाँ झाड़ू लगा के लोग बात सोचे कि कूड़ा डाल दिया ऊपर से। कौन डाला, देखने गए तो वहाँ बच्चा फेंका हुआ था। जब लोगों को एक दो और आए, उसको भी हॉस्पिटल ले गए जिंदा करके, तो यहाँ मेट्रो पे ले गए, वहाँ जाके पता चला कि मृत हो गया, घोषित हो गया, मर गया। फिर पुलिस वाले आए, जब 100 नंबर कॉल हुई तो वहाँ से आए, फिर इधर ले गए लाल बहादुर पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को। तो PCR कॉल हो गई थी, तो पुलिस उसी टाइम आ गई थी। SSO साहब, ACP साहब, सब आए, छानबीन क्राइम ब्रांच वाले सब थे, पूरी टीम आई। बच्चा नवजात था, न्यूबॉर्न बेबी था, न्यूबॉर्न बेबी उसी टाइम पैदा हुआ, दो पैदा होते ही फेंक दिया। मेल या फीमेल? मेल था, लड़का था। प्रिया नोएडा में एक निजी कंपनी में काम करती है। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस ने आरोपी प्रिया को आंतरिक चिकित्सा जांच के लिए LBS हॉस्पिटल भेजा। पुलिस ने इस संबंध में FIR दर्ज कर IPC की धारा 302/301 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी प्रिया को हिरासत में ले लिया। दिल्ली से रिजवान खान के साथ NM फरीदी की रिपोर्ट।